हेलो बच्चों, दिस इज सूरज सिंह। कक्षा में आपका स्वागत है। तो लास्ट पार्ट में हमने जो है 3.3 के पहले क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करा था। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप उसको देख लीजिए। अभी मैं इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम इसके पूरे तरीके से करेंगे। तो बिना देरी लगाए क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, और वैल्यू में फाइंड करनी है फिर इसके बाद y बराबर mx प्लस 3 की। आप कहोगे भैया पीछे वाले क्वेश्चनों में सब कुछ ठीक था, xy की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, अब ये m वाला झंझट क्या आ गया, mm का क्या सिस्टम है। हमने इसमें बेटा m की ही वैल्यू फाइंड करनी है कायदे में, बाद में जाके हमने m की ही वैल्यू निकालनी है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे हम बेटा। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, बता चुका हूँ मैं आपको, प्लस की संख्या इधर जाके क्या हो जाती है माइनस में, 2x वहीं का वहीं है, 3y इधर चला गया, प्लस की संख्या थी माइनस में, एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y इन अपॉन में, ये मल्टीप्लाई की संख्या इधर आके हो गई डिवाइड। ठीक है बेटा, अब आगे ये करना है हमने इसके अंदर इस वाली इक्वेशन को पुट कर देना है सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट को सेकंड में, जो मर्जी अपना आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, वैसे ये फर्स्ट मानी जाएगी और ये सेकंड मानी जाएगी। इसके बाद क्या है, इसमें एक्स की वैल्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, जो हमने वैल्यू निकाली थी 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस के 4y इसकल टू 24 माइनस। तो अब आगे क्या करना बेटा, हमने 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, अब क्या हो गया आपके यहाँ पर 11 माइनस 3y माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24, ये क्या हो गया, माइनस माइनस की संख्या आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी, तो 11 में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा क्या बेटा, माइनस के 7y बराबर माइनस के 35। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 35 अपॉन में 7, तो y बराबर कितना गया, 7 5 37, y की वैल्यू फाइंड हो गई क्या बेटा हमको। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू क्या थी हमारे सामने, x बराबर क्या है आपका यहाँ पर, x बराबर क्या है यहाँ पर 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में 2, ये हो गया आपका 11 माइनस 15 अपॉन में 2, ये माइनस के 4 अपॉन में 2, 2 से 2 कटा तो कितना है आपकी, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस की संख्या आ गई, यहाँ पर माइनस का 2 आ गया। ठीक है बेटा, 5 की जगह 15, 15 में से 11 गया माइनस 4, माइनस 4 अपॉन में 2, क्लियर एकदम। अब हमने क्या करनी है यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर, y की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आई थी, y की वैल्यू आ गई 5 इसकल टू m इंटू x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2 प्लस में 3, प्लस के 3 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस में, माइनस के 3 बराबर m माइनस के 2m, है ना, क्योंकि भाई ये तो माइनस हो गया ना पूरा का पूरा, 2m पे 2m हो गया, m2 लिख लिया, 2m लिख लो की बात है, 5 में 3 गए तो कितना आ गया बेटा 2 माइनस के 2m, और एम बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2 अपॉन में माइनस के 2, कटा तो कितना आ गया माइनस 1 बराबर में, आसान है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, कोई दो नंबर है, पहली बात हम टू वेरिएबल कर रहे हैं, तो हमारा काम क्या है कि एक को एक्स मानना है दूसरे को वाई मानना है, तो लेट कर हमने कि भाई लेट फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नंबर क्या हो गया बेटा एक्स, और जो सेकंड नंबर है हमने लेट करा वो कितना हो गया आपका वाई। उसने बोला है उनका डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब हमेशा होता है माइनस, है ना, कि किसी की हाइट 4 फिट है, किसी की हाइट 6 फिट, उनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 फिट का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारे सामने क्या हो गया, डिफरेंस कितना बोला हुआ इसने कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस बेटा कितना है 26, डिफरेंस 26 है क्या, ठीक है, और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, ये वाला नंबर कितना है 3 टाइम्स है, दो आ गए हमारे पास इक्वेशन, एक फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई और दूसरी इक्वेशन ये आ गई। हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरे में पुट करनी है, ध्यान से देखो, तो एक्स की वैल्यू दी हुई है, दी हुई क्या बेटा, एक्स की वैल्यू तो पहले से निकली हुई है, तो मैं क्या करूंगा इस बार इस क्वेश्चन पुट कर दूंगा, मैं हर बार एक्स की वैल्यू निकालता था, पर जब मेरे पास पहले से एक्स की वैल्यू निकली हुई है तो मैं क्यों निकालूं, मैं क्या करूंगा एक्स की वैल्यू लिख दूंगा
थ्री वाई माइनस वाई बराबर में 26। यहाँ पे लिख सकते हो कि सेकेंड को हमने पुट करा है इन फर्स्ट, हमने सेकेंड को पुट किस में करा है, फर्स्ट में करा है। तो अब क्या हुआ, थ्री वाई में से वाई गए तो बेटा कितना आएगा, टू वाई इजकल टू 26। भैया टू वाई कैसे आ गया, थ्री वाई में से वाई माइनस करके तो थ्री बचना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं। हमारा क्या होता है, अभी वेरिएबल्स को माइनस करते हैं तो वेरिएबल्स ऐसे माइनस नहीं होते, वेरिएबल्स में आगे की संख्या का कॉन्स्टेंट जो नंबर था वो माइनस होता है। कुछ भी नहीं होगा तो वन मान लिया, तो हम माइनस इनको करेंगे ना कि इनको। तो थ्री में से बन गए वन, वाई की जगह वाई सेम रहेगा, ठीक है बेटा। तो वाई बराबर कितना आ गया आपका, 26 अपॉन में 2, और काटा तो कितना आ गया 30। वाई की वैल्यू आ गई क्या बेटा, अब हमें किसके निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसी क्वेश्चन पुट कर दो। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से आ जाना चाहिए समझ में। अगर फिर भी नहीं आता तो हमें फीडबैक बताइए, हमें कमेंट बताइए, हमें कमेंट बताइए, हम आपको कोई और तरीका देखेंगे, कुछ नया तरीका देखेंगे, आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश हम करेंगे। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन हम कर, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम करते हैं थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इसने बोला है सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा बेटा सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनके एंगलों का टोटल होता है आपका 180। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से एंगल होते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है बेटा। अब हमसे बोल रहा है कि एक एक सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल किन टोटल कितने एंगलों का टोटल होता है, दो एंगलों का। तो सीधी सी बात है, पहले को हमने लेट कर लेना है, फर्स्ट एंगल आपका हो गया एक्स, सॉरी, और सेकेंड हो गया आपका, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया वाई, और इन दोनों का टोटल कितना है, नॉर्मल सी बात है, इन दोनों का टोटल कितना है, अभी मैंने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, 180 का होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल 180 का होता है। उसके बाद बोल रहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, ठीक है, एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। ये इस तरीके से भी लिख सकता था कि अगर दे डिफरेंस इज 18 डिग्री, अगर उन दोनों एंगलों का डिफरेंस 18 डिग्री है तो ये कैसा हो जाता, x माइनस वाई बराबर 18। बात एक ही होती, x माइनस वाई बराबर 18 में बात एक ही होती, क्यों होती, ये इधर लिया y माइनस के माइनस में हो जाएगा कि x माइनस वाई इक्वल टू 18, समझ रहे हो बात को, क्वेश्चन को किस तरीके से भी घुमा सकता है आपके लिए, ठीक है। सेम चीज रिपीट हो रही है, हमारे पास क्या है, पहले से x की वैल्यू गिवन दे रखी है, दे रखी है, तो मैं पुट कर दूंगा इसके अंदर इसको। तो x की जगह पे क्या लिखना है बेटा, मेरे को ये पूरी इक्वेशन लिख देनी ऐसी कैसी, तो y प्लस 18 प्लस y बराबर में 180 डिग्री। आ रही बात समझ, 18 डिग्री y बाई कितना हो गया बेटा, 2y प्लस 18 बराबर 180। 2y बराबर क्या होगा बेटा, 118 में से 18 माइनस कर दो, और 2y बराबर कितना आ गया आपका, जल्दी से माइनस करो, 162 आएगा क्या, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 162, ये मल्टीप्लाई की संख्या दरा के हो गई डिवाइड में, 81 आ रहा है क्या, y बराबर 81 आ गया, ठीक है। हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन में जिस वैल्यू को हमने से पुट कर दो उसी में डाल देंगे इसको, x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर क्या होगा, y की कितनी आ गई वैल्यू, 81 प्लस में 18, y की जगह कितना आ गया 18 प्लस में 18, तो x बराबर कितना आ गया, प्लस कर दो इन दोनों को, 99 सॉरी, सही आ रहा है क्या, बिल्कुल सही आने का पता करने का तरीका क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री, मैं इन दोनों को प्लस करके देख लेता हूँ, 81 प्लस में 99, 9 और 1 0 हासिल लगा, 1 9 1 18, सही आ रहा है क्या आंसर, बिल्कुल भाई सही आ रहा है, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बॉयज 7 बैट्स एंड 6 बॉल, तो बैट कितने हो गए बेटा आपके, बैट क्या हो गया एक्स, बोल कितनी होगी आपकी, आपका सबसे पहला काम ना हमें वेरिएबल ही पता करना है कि हमने किस चीज को एक्स मानना है, कौन सी चीज को वाई मानना है। सेवन बैट बोल रहा है बेटा, सेवन बैट बोल रहा है तो मतलब सेवन एक्स, सिक्स बॉल्स बोल रहा है तो सिक्स वाई, टोटल अमाउंट कितना है 3800, इजी है क्या बेटा। उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद लेटर सी बाय 3 बैट, 3 बैट और खरीद लिए भाई ने हमारे, 3 बैट और खरीद लिए और 5 बॉल और ले ली, कितने के ले ली भाई, 1750 के ले ली, कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई, खरीद रहा है पैसा अलग लड़के पे, ठीक है भाई। तो अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है पहले इक्वेशन से,
हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, 7x बराबर इस वाले भाई को मैं उठा के डाल दूंगा इधर। किसको डाल दूंगा भाई, 6y वाले भाई को मैं डाल दूंगा इधर, ठीक है। प्लस ये संख्या इधर जाके माइनस में हो गई। अब ये जो इसके साथ चिपका खड़ा है इसको मैं डाल दूंगा नीचे, मतलब कि मल्टीप्लाई की संख्या आ गई आपकी डिवाइड में। नंबर्स कुछ बड़े बड़े लग रहे हैं क्या, तो फर्स्ट इक्वेशन को पुट कर देना मुझे किसमें, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं भाई। एक्स की वैल्यू की जगह लिखनी है, पूरी लिखनी है क्या, 3 × 3800 − 6y / 7 + 5y = 1750। इससे कट तो सकता नहीं, कट जाता तो बहुत आसान होता, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा, जब भी मल्टीप्लाई तो हमने करनी पड़ेगी। 3 किससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 8 × 24 = 4, ऐसे लगा 2 × 3 = 9 = 11, माइनस में 3 किस 6 से करोगे 18y / 7 + 5y = 1750। हमारा काम क्या होता है बेटा, बेस इक्वल करना होता है, यहाँ वन माना और 7 7 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दी। ये आ गया आपको 11400, ये बेस आपका सेम रहेगा, माइनस के 18y + 7 5j 35y = 1750। अब क्या करना है आपको, 11400 सेम रहेगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई होनी है यहाँ पर इसकी, ये माइनस का ये प्लस का माइनस हो जाएंगे, 35 में से 18 गए, जल्दी माइनस करो, 15 में से 8 गए 7, ये 17 आएगा शायद आपका, सही आ रहा है क्या बेटा, सही आ रहा भी है बिल्कुल। और 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे सेम आ जाएगा। चलो हम दोबारा से इसको लिख ही लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या सेम आएगी क्या, सेम आएगी बेटा, तो 11400 − 17y = 7 किससे मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से बेटा, 7 से मल्टीप्लाई कर दो जरा कितना आएगा बताओ मुझे, बड़ी संख्या प्लस की बेटे, यहाँ प्लस आएगा, गलती हो गई, ठीक है। तो 7 0 7 5 35 का 5, यहाँ से लगा 3 7 7 49 और 3 52 का 2 से लगा 5 और 12, ठीक है। 17y = 12250 − 11400। तो बेटा होगा क्या, 17y = इनको माइनस कर दो बेटा जल्दी से, 0 में से 0 गए 0, 5 में से 0 गए 5, 12 में से 4 गए 8 और 11 में से 11 गए 0, सही आ रहा है बेटा। तो वाई बराबर कितना हो गया, 850/17, 17 × 5 = 85, यानी कि एक बैट बॉल की कीमत कितनी थी, 50 रुपये। अब हमें निकालनी है बैट की कीमत, तो हम पहले कर चुके हैं कई बार, इक्वेशन फर्स्ट में हमें से पुट कर देना है, ठीक है भैया। तो एक्स बराबर 38000 − 6 × y / 7 कितना आएगा बेटा, 6 5 30, 300/7, 3800 में से गए तो 3500 और ये 7 7 5, बड़ा महंगा बैठा है भाई 500 रुपये का, तो ठीक है बेटा, बैठ ज़्यादा तो बोली महंगी आ रही है आपकी, तो आपकी कितनी आ गई है, ये क्या आपका एक्स क्या है, एक्स क्या हमारा बैट, बैट की कीमत कितनी आ गई, 500। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसके अंदर स्पेस बचा हुआ यहीं कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैक्सी चार्जेस, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। अब जो टैक्सी वाला है ना, ये क्या कर रहा है कि एक चार्ज तो उसने फिक्स कर रखा है और उसके बाद जितने डिस्टेंस चलोगे उसका अलग चार्जेस है। तो फिक्स चार्जेस से मतलब क्या होगा कि तुम कहीं टैक्सी में बैठ रहे हो, तो कह रहा है कि भाई तुम बैठ गए ना तो 20 रुपये देने पड़ेंगे तुम्हें, चाहे तुम 1 किलोमीटर जाओ चाहे 3 किलोमीटर जाओ, और उसके बाद तुम जितने भी किलोमीटर चलोगे पर किलोमीटर किराया अलग से देना पड़ेगा। तुम्हारा काम क्या करना है, यहाँ पर जो ये फिक्स चार्ज आपसे लेगा, फिक्स चार्ज को मान लो आप एक्स, और जो भी आपका ये चार्जेस चेंज कर रहा है, वेरिएबल जितने भी चार्जेस हैं उसको हम क्या मान लेंगे, वेरिएबल लिख लो उसको आप, वेरिएबल कितना हो गया आपका वाई, ठीक है बेटा। उसके बाद कह रहा है फॉर द डिस्टेंस ऑफ द किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105 और 15 किलोमीटर के 155, 10 किलोमीटर के कितने दे रहा है, 105 रुपये। तो भाई जितना किलोमीटर चला हुआ था 10y हो गया, 10y के कितने, 10 किलोमीटर चलने कितने दे रहा है, ये कितने दे रहा है बेटा जल्दी से बताओ,
105 रुपये पर। भाई कुछ पैसे पहले भी तो ले रहा है ये, तो फिक्स्ड लेगा, तो ये तो फिक्स्ड पैसे हो गए और 1 किलोमीटर के हिसाब से पैसे हो गए। ऐसे इसने बोला कि अगर वो 15 किलोमीटर चलता है तो चार्ज पे करना पड़ेगा, चार्ज पे करना पड़ेगा कितना, 155। लास्ट में ये 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ही पूछ रहा है, वो बाद का काम है, उसको निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी इसको फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा, तो कॉमन सी बात है। तो हमारा काम क्या है बेटा, हमें तो काम एक ही आता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं भाई जल्दी से। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 - 10y, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है ना, इसका नाम थर्ड रख दो। इक्वेशन के नाम तुम जो मर्जी अपनी मर्जी, ए बी सी डी भी रख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 1 सेकंड थर्ड रखना जरूरी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है सेकंड वाली इक्वेशन में, यानी कि सेकंड वाली इक्वेशन को थर्ड वाली इक्वेशन, तो यहाँ लिख सकते हो सेकंड पुटेड इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो 105 - 10y ये आ गई आपके एक्स की वैल्यू। ठीक है, प्लस 15y = 150। आ रही बात समझ, क्या करा मैंने, एक्स की वैल्यू को एक्स की जगह पे लिख दिया दूसरे वाली इक्वेशन। ठीक है ना, इससे वैल्यूज निकाल लिए, पुट इसमें करते हैं, हमेशा याद रखो इन चीजों को। तो क्या होगा आपका, ये माइनस हो जाएगा क्या, तो 15y में से 10y गए तो कितना आएगा, 5y, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 5y आएगा। इस वाले 105 को उधर फेंक देता हूँ, 105 इधर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 105 में से 155 में से 105 गए तो 50, और जैसे 105 इधर गया होगा तो ये माइनस का 105 हुआ होगा, बड़ी संख्या प्लस की रही होगी, इसलिए प्लस का 50 आ रहा है। इसलिए जल्दी करने की कोशिश करिए, हमने मैथ को तरीके से और जल्दी से करो, पर समझ समझ के करो, बड़ा मजा आता है। वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 आ गई। करना क्या है मुझे, आसान सी चीज है भैया, जो मैंने वैल्यूज निकाली थी उसके अंदर पुट कर दो, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया भाई। एक्स बराबर कितना हो गया, 105 - 10 × वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 10, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 105 - 10 × 100, एक्स की वैल्यू हो गई 5। मतलब कि तुम कहीं जाओ मत जाओ, फिक्स चार्ज तो 5 रुपये देना ही पड़ेगा, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के तुम्हें हर किलोमीटर के 10 रुपये बंदा मांग रहा है। कोई बात नहीं भाई, कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, 5 रुपये दे सकते हैं हम लोग। फिर ये कह रहा है कि 25 किलोमीटर अगर वो चलेगा तो उसे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। 25 किलोमीटर की इक्वेशन इसी टाइप से बनेगी कि एक्स प्लस फिक्स चार्ज तो उसे देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर को वाई के हिसाब से पैसे देना पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना है इस बार। तो भैया एक्स कितना हो गया आपका, 5 रुपये देने हैं, 25 किलोमीटर के पैसे किसके हिसाब से देगा, 10 रुपये के हिसाब से। तो 5 + 250 = 255। अगर 25 किलोमीटर वो बंदा जा रहा है तो उसको 255 रुपये पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है बेटा हमसे, एक फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। अब की बार दो चीजें बोल रहा है हमसे, न्यूमरेटर और एक डेनोमिनेटर है, तो भैया न्यूमरेटर को एक्स मान लो, डेनोमिनेटर को मान लो। भैया हमें तो 2 वेरिएबल में क्वेश्चन करने हैं ना, एक्स वाई तो हमें मानना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, कह रहा है कि अगर हम दोनों में 2 प्लस कर दे, अगर मैं इन दोनों में 2 प्लस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। कोई बात नहीं, उसके बाद कह रहा है अगर मैं 3 ऐड कर दूं दोनों में, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, अगर मैं इन दोनों में 3 ऐड कर दूं, अगर इन दोनों में मैं यहाँ भी 3 ऐड कर दूं, यहाँ भी 3 ऐड कर दूं, तो कितना हो जाएगा बेटा, 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेनी है और अपॉन लिख देना उसके बाद में। हमें करना क्या है इसके अंदर बेटा, हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, पहले तो उसको ठीक ठाक कर लेना है। ठीक ठाक कैसे करेंगे भैया, ठीक ठाक करने से क्या मतलब है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक ठाक हो जाएगा। क्या मतलब भैया, यहाँ पे समझ लो इसको, ना क्रॉस मल्टीप्लाई में इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, जब 11 के एक्स से करोगे तो कितना आएगा बेटा, 11 के एक्स से करोगे तो कितना आएगा, 11x, 11 × 2 = 22, जब 9 की इससे करोगे इन दोनों से कितना आएगा, 9y + 18। 11 की करिए 11x, 11 × 2 = 22, 9y की 9y से, 9 × 2 = 18, क्या करोगे आप, 11x वेरिएबल्स को एक तरफ लिख लो और कांस्टेंट को एक तरफ लिख लो, मतलब जो एक्स वाई वाली संख्या एक तरफ आ गई, 11x - 9y, और ये इधर जाके माइनस का हो गया तो माइनस का 4, बड़ी संख्या माइनस के माइनस आ जाएगा। सेम चीज मुझे यहाँ रिपीट करनी पड़ेगी बेटा, क्या करना पड़ेगा, 6 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, 6x 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, उसके बाद 5 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, 5y, और 5 × 3 = आसान है क्या बेटा,
करना क्या है मुझे, मुझे निकालनी है इक्वेशन। तो ये 18 जाके माइनस का हो जाएगा 50 माइनस 18, और 6x माइनस 5y बराबर कितना आ गया, 15 में से 18 गए तो माइनस के 3। उसके बाद क्या करना है मुझे, मुझे क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले मैं इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो क्या होगा 11x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 4 प्लस के, समझ आना बेटा, माइनस का 9y तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, वैसे का वैसा लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो माइनस के 4 प्लस 9y मल्टीप्लाई में संख्या धरा के क्या हो गई, डिवाइड में, पुट किस में करना है सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट को। ठीक है भैया, एक्स की जगह पे क्या लिखना है मुझे, एक्स की जगह पे लिखना है मुझे माइनस के 4 प्लस 9y अपॉन में 11 माइनस के 5y इक्वल टू माइनस के 3। आ रही समझ बात, 6x में x की जगह पे मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, y वैसा का वैसा, -3 वैसा का वैसा है, करनी क्या है भैया, क्योंकि ये से कट तो पाएगा नहीं, आमने सामने मल्टीप्लाई कर, तो 6 चौक 24 और 6 नीम 54y -5y अपॉन में 11 है। बेस इक्वल करने के लिए इसकी कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 11 से क्यों करनी पड़ेगी, हम पीछे सारे क्वेश्चन में समझ चुके हैं, हमें बेस इक्वल करना होता है, यहाँ 11 तो यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। 24 ये हो गया आपको 54y 11 से 55 के मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 55y अपॉन में 11, तो बेस भी इक्वल हम कर चुके हैं, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस के 24 माइनस के 24, 54 में से 55 गए तो माइनस के 1y इसकल टू 11 3 जा 33। भैया आपने 1 क्यों नहीं लिखा, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप 4 लिखो या 4 × 1 लिखो कोई फर्क पड़ता है क्या, एक ही चीज है ना, तो बस वही चीज है बेटा। तो क्या करना है हमने, माइनस वाई स्क्वल टू ये प्लस की संख्या दर्ज आगे क्या हो जाएगी, माइनस सॉरी माइनस संख्या दर्ज आगे क्या हो जाएगी प्लस में, माइनस का 33 था प्लस 24 प्लस का हो गया माइनस के वाई माइनस का वाई, 33 में से 24 गए थे बेटा कितना आएगा, मेरे हिसाब से तो 9 आएगा, और ये माइनस ये भी माइनस का है क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस है माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर कितना आ गया 9, y बराबर कितना आ गया 9, यानी कि नीचे वाली संख्या तो हमने निकाल ली 9 आ गया, हमें निकालनी x, ऊपर वाली संख्या निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, जो भी मैंने इक्वेशन निकाल ली होगी ये इक्वेशन इस वाले इक्वेशन में इसको पुट कर दूंगा, पुट कर देते हैं भाई, x बराबर क्या होगा -4 प्लस इक्वेशन ये रही बेटा -4 प्लस 9, 9 × 9 अपॉन में कितना आना है आपका 11 आना, आपको फोन में कितना आना है 11 आना है, कोई बात नहीं, माइनस के 4 81 9 9 81 अपॉन में 11, 81 में से 4 माइनस करो बेटा कितना आएगा, मेरे हिसाब से तो 77 आएगा, और 11 7 जा 77 आएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया 7, तो आपका क्या हो गया ऊपर कितना आ गया 7, तो इसका आंसर कितना आ गया एक्स अपॉन वाई कितना आ गया 7 अपॉन में, आया बेटा समझ क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप इसको धीरे धीरे समझ समझ के करते हैं। तो अब इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, हैंस मतलब बेटा बाद में, ठीक है 5 साल बाद, जैकब है जैकब का बेटा है, कॉमन सी बात है, दो बंदे मिल गए हमको, तो जैकब मान लूंगा मैं एक्स और उसको लड़का मान लूंगा मैं वाई। उसके बाद बोला 5 साल बाद, 5 साल बाद, हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके बेटा, हम ये क्वेश्चन 3.2 में कर चुके हैं, जिसने नहीं कराया पहले जाकर उसको देख लीजिए, आपको आसानी से चीजें समझ आ जाएगी। 5 साल बाद बोल रहा है, तो मैंने क्या करना है इसमें +5 कर देना, इसमें +5 कर देना है। जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जैकब क्या होगा अपने बेटे का 3 गुना होगा, तो ये रहा जैकब, ये रहा इसका बेटा, तो इसका बेटे का 3 गुना होगा, हो गए जेकब के भाई बाप 3 गुना है, अपने बेटे से मल्टीप्लाई क्यों कर दी 3 की। बेटा एक बात बताओ कि अगर मैं 6 साल का हूं, मेरे पापा 18 साल के हैं, तो मुझे अपने आप को उनके बराबर करने के लिए मेरे को अपनी एज से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, 3 6 18, बाप की थोड़ी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, समझ रहे हो ना इस बात को। इसके बाद क्या हुआ, इक्वेशन बन जानी है वाली, उसके बाद बोला 5 साल पहले, ठीक है भैया पहले वाले भी हम पढ़ चुके, क्या करते हैं पहले वाले में हम करते हैं माइनस, 7 टाइम्स अपने बेटे की एज का, और हमें इन दोनों की एज निकालनी हुई क्वेश्चन में, व्हाट आर देयर परसेंटेज, उनकी परसेंटेज पूछ रहे हैं, परसेंट एज हमने एक्स वाई मानी रखी है, हमने एक्स वाई निकाल लेंगे, तो
हमारा आंसर इस टाइम पर आ जाएगा। करना है यहाँ पे पूरा सोल्व करते हैं इसको। एक्स प्लस फाइव थ्री किससे मल्टीप्लाई है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, थ्री वाई प्लस फिफ्टीन। अपने क्या करना है, वेरिएबल्स एक तरफ ले लेने हैं और ये फाइव उठ के इधर चला जाएगा, इधर हो जाएगा पीछे माइनस में, फिफ्टीन में से फाइव गए तो टेन। पहली इक्वेशन बन गई क्या हमारी, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरे वाले में क्या करना है, हमने सेम चीज करनी है, एक्स माइनस फाइव बराबर इसकी इससे, इसकी इससे, सेवन माइनस सेवनटी थर्टी फाइव, सेवन फाइव थर्टी फाइव, सात पंजे पैंतीस और सेवन वाई सेवन वाई। आपने क्या करना है, वेरिएबल एक तरफ ले लेने हैं, प्लस का सेवन वाई जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस से इनके अंदर जाके हो जाएगी प्लस में, माइनस थर्टी फाइव प्लस फाइव, एक्स माइनस सेवन वाई बराबर थर्टी फाइव में से फाइव का कितना आ गया बेटा, थर्टी। बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस का आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आ गई। क्या करूँ भैया, वैल्यूज निकाल लूँ क्या? हाँ भाई निकालना, ये काम तो हमारा मस्ट है ही यही। तो हमने क्या करना है, एक्स बराबर क्या करना है, टेन प्लस थ्री वाई, एक्स की वैल्यू निकाल ली। पुट किस में करनी है, सेकंड वाले में करनी है, लिख सकते हो फर्स्ट पुट इन सेकेंड, ठीक है ना? ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को पुट करना है यहाँ पर। तो एक्स की वैल्यू लिख दूंगा मैं, टेन प्लस थ्री वाई लिख दिया। क्या बचा, क्या है यहाँ पर, यहाँ पे क्या बचा हुआ, माइनस थ्री वाई बराबर टेन। मैंने गलत वैल्यू, अच्छा मुझे वाली भी पुट नहीं करना ना, मैं कह रहा हूँ गलत क्यों हो रहा हमारा, हमें इस वाली वैल्यू पुट करना ना बेटा। हमने इसकी वैल्यूज निकाल ली है, पुट किस में होती है, इसके अंदर। तो एक्स की वैल्यू दोबारा से लिख लेते हैं, टेन प्लस थ्री वाई माइनस सेवन वाई बराबर में, माइनस सेवन वाई बराबर में थर्टी। एक्स की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है, वाली पुट कर दी क्या, उसके बाद माइनस सेवन वाई वैसा का वैसा और थर्टी वैसा का वैसा। बेटा देखो हमेशा एक चीज याद रखना हमारी लाइफ में, कि गलती करने से मत घबराना। गलतियां क्या है, कि हम टीचरों से भी गलतियां होती रहती है, बट गलतियों से भागना नहीं है, उनको समझना है और उनको इम्प्रूव करना ही एक लाइफ है। अगर आपको लगातार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है ना बेटा, तो सबसे पहला काम तो आप करो, आप गलतियों से मत डरो। जिस भी बंदे ने गलतियों से डरना छोड़ दिया ना, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएगा, बहुत ज्यादा आगे जाएगा, जितना आप सोचते हो उससे भी ज्यादा आगे जाएगा, है ना? तो कितना हो गया, थर्टी और टेन कितना हो गया, फोर्टी हो जाएगा बेटा। माइनस का था ये, प्लस के तो जाके माइनस की होगी, माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का रहेगा। वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के फोर्टीन अपॉन में माइनस के फोर टेन। वाई बराबर कितना आ गया आपका, वाई कौन था भाई, वाई है भाई लड़का। हमें किसकी एज निकालनी है, पिताजी की एज निकालनी है, जैकब की। पिताजी की एज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे। तो एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर क्या होगा, टेन प्लस थ्री वाई। तो टेन प्लस थ्री इंटू वाई, वाई कितना हो गया, टेन थ्री टेन जा थर्टी। तो पिताजी की वैल्यू कितनी है, जैकब की उम्र किसती है, कितनी है इस टाइम, चालीस। ये क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ सकता था, कि प्रेजेंट में बताओ कि वो आज की तारीख में कितने गुना है ना? तो आज की तारीख में हम बता देते कि भाई बेटे से चार गुना है, ये दस है तो वो चालीस है। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज हमारी यहाँ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है कि आपने जल्दी जल्दी चीजें कराई हैं, या फिर कुछ चीजें छूट गई हैं, या भैया एग्जाम्पल भी मुझे करने हैं, या कुछ भी हो सकता है एक्सेट्रा, बेसिक भैया हमारा बहुत कमजोर है, हमें बेसिक समझ नहीं आ रहा, तो आप हमें प्लीज फीडबैक दीजिए। हम आपके लिए हर एक तरीके से आपके सॉल्यूशन के लिए नई नई चीजें लाने की कोशिश करेंगे। बाकी दोबारा आपसे कल मिलते हैं नई वीडियो में, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।